छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही तीन बड़े मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया है। बीरनपुर पीएससी घोटाला के साथ साथ अब महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच सीबीआई करेगी। राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कई बड़े राजनेताओं के साथ साथ आला अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं 6,000 करोड़ के महादेव सट्टा ऐप की। महादेव सट्टा ऐप की माया, ऑनलाइन गेमिंग का जाल, जूस फैक्ट्री से बना सट्टा किंग पेन, दुबई से ऑपरेट होने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर अब सीबीआई शिकंजा कसेगी। भारत के कई राज्यों तक फैले ऑनलाइन गेमिंग के अवैध धंधे और धंधेबाजों की अब सीबीआई पर कतरने वाली है। साथ ही मामूली जूस फैक्ट्री चलाने वाले सौरभ चंद्राकर के सफेदपोश मददगारों के चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,000 करोड़ के इस अवैध साम्राज्य की नींव तक खोदने के लिए जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया है। लेकिन क्योंकि जो इनके बड़े प्रमोटर्स हैं और जो बड़े हैंडलर्स हैं वो दुबई में रह के काम कर रहे हैं, जिनको एक्सट्रेडिशन के लिए लुकआउट नोटिस बाकी चीजों करने के लिए मुश्किलें आ रही थी, तो राज्य शासन ने अभी इस केस को सीबीआई को दिया है, जिससे कि इनके प्रमोटर्स को लाना संभव होगा। और जो दूसरे राज्य में जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में काम कर सीबीआई को कार्रवाई करने में आसानी होगी, क्योंकि लगातार इस साल भी अभी वर्ल्ड कप हुआ और आईपीएल हुआ, उसमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप आईपीएल हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं महादेव ऐप पे चलने की बात सामने आई थी। तो इसकी गहराई को देखते हुए शासन ने सीबीआई को दिया है। अब तक इस मामले में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कहा जाता है कि सट्टे के काले कारोबार का तार ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेताओं से जुड़ा हुआ है। पूरे मामले में अब तक 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 11 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 18 लोग आरोपी बनाए गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ऐप से जुड़े एक प्रमोटर ने वीडियो जारी कर 508 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाए थे। इसके बाद महादेव सट्टा ऐप पर सियासत होने लगी। साथ ही भिलाई के रहने वाले संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी की मांग बढ़ने लगी, लेकिन ये दोनों काफी पहले से दुबई जा चुके थे और वहीं से काले धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। सौरभ के बारे में जानकारी मिली है और उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ को जुआ खेलने की लत थी। 2019 तक सौरभ ने जूस फैक्ट्री चलाई। जूस फैक्ट्री पर पेशेवर और रसूखदार जुआरियों से पहचान हुई। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से प्रभावित होकर महादेव ऐप बनाया, पहले खुद खेला और फिर दोस्तों को शामिल किया, बाद में सट्टे के बिजनेस में बेरोजगार युवकों को शामिल किया। रवि उप्पल से मुलाकात के बाद महादेव बुक को बढ़ाने का प्लान बनाया। कोरोना काल में ऐप छत्तीसगढ़ में खूब फला फूला। बाद में दोनों दुबई चले गए और ऐप वहां से ऑपरेट करने लगे। हालांकि यह धंधा एजेंसियों की नजर से दूर था और बदस्तूर चलता रहा, लेकिन काले कारनामे का सच एक न एक दिन सामने आता ही है, और इस मामले में भी यही हुआ। एक शानदार शादी ने ऐप के काले सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया और अब जांच का जिम्मा सीबीआई के पास है। उम्मीद है कि मामले की जांच में न केवल तेजी आएगी बल्कि नेटवर्क के साथ ही संचालकों पर भी शिकंजा कस सकेगा। न्यूज 18 के लिए कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ युगल तिवारी की रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग का काले कारोबार दुबई से देश भर में फैल रहा था। नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि और आइडिया इतना फुल प्रूफ था कि इसकी भनक एजेंसियों तक को नहीं लगी है। घर घर तक ऐप अपनी पैठ बना रहा था। खासकर छत्तीसगढ़ में युवाओं में बैटिंग की लत लग गई थी। लेकिन इस बीच ऐप के संचालक ने एक गलती की, वो गलती जिसने काले कारोबार के आधे सच को उजागर कर दिया। क्या थी वो गलती, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महादेव ऐप का माया नगरी कनेक्शन, सितारों की आमद ने बढ़ाई मुसीबत, आलीशान शादी में बॉलीवुड का तड़का। शादी बन गई बर्बादी। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग का धंधा जो बेखौफ और बिना परेशानी के चल रहा था,
वो बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से सुर्खियों में आ गया। न केवल सुर्खियों में बल्कि ईडी की रडार पर भी। सौरभ चंद्राकर को दुबई में बैठे बैठे करोड़ों की कमाई हो रही थी। पैसा आ नहीं रहा था बल्कि बरस रहा था, और यही सौरभ ने गलती की। सौरभ ने संयुक्त अरब अमीरात में शादी की और शादी समारोह में 200 करोड़ पानी की तरह बहा दिया। जानकारी के मुताबिक सौरभ के रिश्तेदार नागपुर से प्राइवेट जेट से आए। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, धमतरी से भी लोग शादी में पहुंचे। वेडिंग प्लानर, डांसर्स, डेकोरेटर्स मुंबई से हायर किए गए। सभी को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया। यही नहीं, इस शादी में बॉलीवुड की 15 से ज्यादा हस्तियां शामिल हुई। शामिल होने वालों में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, सनी लियोनी, भाग्यश्री, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक जैसी हस्तियों ने शादी में तड़का लगाया। इस आलीशान शादी की खूब चर्चा हुई और यहीं से सौरभ चंद्राकर पर एजेंसियों की नजर पड़ गई। शादी का कोई वीडियो लीक ना हो इसका इंतजाम हुआ था, लेकिन भारतीय एजेंसियों को शादी में शामिल हुए बॉलीवुड हस्तियों की न केवल जानकारी मिल गई बल्कि एक वीडियो भी हाथ लग गया। एजेंसियों ने पूछताछ की और यहीं से हवाला कारोबार के साथ ऑनलाइन गेमिंग के अवैध धंधे का खुलासा हुआ। सौरभ के साथ ही महादेव सट्टा ऐप के बुरे दिन भी शुरू हो गए। 2020 से महादेव ऐप जो है चल रहा था। शुरू में छत्तीसगढ़ में भिलाई से शुरू हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में इसने पैर पसारे और फिर देश भर में इसके ब्रांचेस जो है खोल दिए गए। इसके जो मुख्य जो प्रमोटर्स थे चंद्राकर और रवि उपल, वो दोनों दुबई से रहते, जब यहाँ पुलिस का दबाव बढ़ा तो दुबई भाग गए और वहां से संचालन करने लगे। दुर्ग भिलाई से 1000 से ज्यादा युवकों को इन्होंने इसमें भर्ती कर लिया और देश भर में अपने ब्रांचेस खोल दिए। एक ब्रांच में 4 से 5 लोग कार्यरत थे जो कि मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चलाते थे। ये मेनली इंस्टाग्राम और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, टेलीग्राम, उसके थ्रू ऑपरेट करते थे, व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेजते थे और बेट लगवाते थे। करीब 6000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो 2-3 साल में हुआ है। ये लाइमलाइट में आया जब इनके प्रमोटर्स की चंद्राकर की शादी जो है दुबई में हुई, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा खर्च की बात सामने आई है। हवाला में कैश के लेन देन की जानकारी के बाद ईडी ने केस दर्ज किया और मुंबई के अलावा छत्तीसगढ़ में कार्रवाई शुरू की। इस बीच छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू की और ऐप से जुड़े सट्टेबाजों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लाखों की लेन देन का खुलासा होने लगा। पुलिस की कार्रवाई और लाखों गंवाने वालों की कहानियां भी सामने आने लगी। मामले पर सियासत भी होने लगी। तब भारत सरकार ने कई गेमिंग ऐप के साथ महादेव सट्टा ऐप को भी बैन कर दिया। बावजूद इसके सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन गेमिंग का काला कारोबार चलता रहा। अब जबकि मामले की जांच सीबीआई करेगी तो उम्मीद है कि ये काला कारोबार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कवर्धा से मनी